हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ट्रफल और चॉकलेट कस्टर्ड ट्रफल की रेसिपी लाई हूँ। इसे आप बनाकर आपके लव वन को खिलाएं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कस्टर्ड रेडी कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। तब तक हम कस्टर्ड का घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये एक बाउल में कच्चा दूध ले लिया है, वो भी ठंडा दूध हमें लेना है। फिर उसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच ये कस्टर्ड पाउडर। ये मैं वनीला फ्लेवर का यूज़ कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप जब भी कस्टर्ड पाउडर डालें तो दूध ठंडा ही ले, नहीं तो उसमें लम्ब्स पड़ सकता है। तो इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, घोल को हमें इस तरह से रेडी करना है कि उसमें कस्टर्ड की गुठलियाँ ना रहे। अब यहाँ पे दूध देखिए गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये 4 चम्मच के करीब शक्कर। ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से डालें और उसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने कस्टर्ड का घोल बना के रखा है, उसे इस तरह से चम्मच से आप मिक्स कर लें पहले। फिर एक हाथ से उसमें डालते जाएँ और एक हाथ से इस तरह से मिक्स करते जाएँ, और कंटिन्यूस उसे हमें चलाना है, नहीं तो कस्टर्ड का लम्ब पड़ सकता है। और इस स्टेज पे फ्लेम को हमें मीडियम करके ये प्रोसेस करना है। 3 से 4 मिनट के बाद ही देखिए कस्टर्ड इस तरह से गाढ़ा हो जाता है और ये लम्स फ्री इस तरह से बनेगा। अगर आप इसे छोड़ देंगे चलाना तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो इस स्टेज पे अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तरह से ही हमें गाढ़ा रखना है और इसे नॉर्मल ठंडा होने देंगे। उसके बाद बाउल में करके, किसी भी बर्तन में करके फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। सबसे पहले हम चॉकलेट कस्टर्ड ट्रफल बना रहे हैं, तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने मिक्सी जार ले लिया है और उसमें ये 5 ओरियो बिस्किट लिए हैं। तो इसे इस तरह से टुकड़े करके डालेंगे और इसे थोड़ा सा दरदरा सा हम एक पाउडर बना लेंगे बिस्किट का। देखिए, इस तरह से बिस्किट का मैंने पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो बिस्किट को क्रश भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बटर को मेल्ट कर लिया है और इसमें ये बिस्किट के पाउडर को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से ठंडा हो चुका है और यहाँ पे मैंने ये ग्लास ले लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चम्मच की हेल्प से ये बिस्किट का क्रश। इसे इस तरह से चम्मच की हेल्प से प्रेस करके लेयर बना देंगे। इस तरह से बिस्किट का लेयर लगा देने के बाद फिर उसमें हम कस्टर्ड को डालेंगे ऊपर से। फिर से हम बिस्किट का लेयर लगा देंगे, अच्छे से उसे चारों तरफ से फैला देंगे। और एक लेयर डाल रही हूँ कस्टर्ड का, इसे डाल के ऊपर से फिर उसको गार्निश कर रही हूँ बिस्किट क्रश से, और ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ ओरियो बिस्किट से कर दिया है मैंने। रेडी है हमारा चॉकलेट कस्टर्ड ट्रफल। अब स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ट्रफल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये स्ट्रॉबेरी ले ली है। इसे मैं मिक्सी जार में छोटे छोटे पीसेस करके डाल रही हूँ और स्ट्रॉबेरी का हम एक सिरप जैसा बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें बिना पानी डाले स्ट्रॉबेरी का सिरप जैसा बना लेना है। चलिए अब हम स्ट्रॉबेरी ट्रफल बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी के ऐसे छोटे पीसेस भी ले लिए हैं। तो सबसे पहले ग्लास में हम स्ट्रॉबेरी के इस सिरप को डालेंगे, उसी के साथ फिर थोड़े से हम जो पीसेस करके रखे हैं इसे इसमें डालेंगे, और ऊपर से फिर लेयर डाल रही हूँ कस्टर्ड का। कस्टर्ड की लेयर डाल लेने के बाद फिर स्ट्रॉबेरी के जो हमने पीसेस बना के रखे हैं उसे ऐड करेंगे, अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाएंगे। फिर ऊपर से लेयर डाल रही हूँ कस्टर्ड का, बहुत ही यम्मी ये ट्रफल बनता है। फिर सबसे ऊपर की लेयर में हम स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे, उसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरी के पीसेस डालेंगे और ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी से और थोड़े से ड्राई फ्रूट से। देखिए, रेडी है हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ट्रफल, बहुत ही यम्मी बना है। तो इस वैलेंटाइन पे आप इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करिए और आपके लव वन को ज़रूर बना के खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।